वेलकम गाइस, ब्रांड न्यू टॉपिक पे हम आज बात करेंगे प्लांट वार्निंग। क्या प्लांट वार्न करना चाहते हैं हमको, आज हम जान ही लेंगे। तो प्लांट वार्निंग क्या है? कि प्लांट वार्निंग ये है कि कैसे प्लांट हमें जो है बताते हैं कि हार्वीबोर अटैक होने वाला है, मतलब अटैक से बच जा। कैसे बताते हैं प्लांट, तो जानते हैं। प्रेडेटर्स अपने झुंड को अक्सर बचाने के लिए कुछ खास सिग्नल्स को भेजते हैं। ऐसे ही एक बिहेवियर को प्लांट्स में देखा गया, जिसे टोक्यो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है इस पर रिसर्च किया, पता लगा। यूजिंग एराबिडोप्सिस थैलियाना एज अ मॉडल, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने बताया कि जिन प्लांट्स का हार्वीबोर सिस्टम डैमेज हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आसपास के जितने भी नेबरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जीन्स में कर लेते हैं, जिससे वो वॉर्न हो जाते हैं। इसके बाद यह जीन एंटी हार्वीबोर डिफेंस सिस्टम शुरू करते हैं। आगे के शोध में यह पता लगा कि जब कोई प्लांट लाइक मिंट फ्रेश और लाइक ब्रसिका रेप जो है, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये जो हैं प्लांट्स, अगर किसी मिंट प्लांट के बाजू में उगते हैं तो ये अपना हाई डिफेंस सिस्टम जो है स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मिंट प्लांट इस पर अटैक ना कर सके हार्वीबोर अटैक से बचने के लिए। इसे मिंट प्लांट का दूसरे प्लांट को झांकना भी कहते हैं। पहले रिसर्चर्स प्लांट को एक केमिकल से मिलाते हैं जिसका नाम बेटा ऑसिमीन है, जो है हार्वीबोर अटैक के समय प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्पोडोटेरा लिथुरा जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हार्वीबोर अटैक के समय प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ये एक दूसरा कंपाउंड है। उसके बाद रिसर्चर्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे प्लांट अपना केमिकली जनरेटेड डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तब उन्हें पता चला कि प्लांट द्वारा जो हिस्टोन एसिटिलेशन, जो वोलाटाइल कंपाउंड जो छोड़ा जाता है, वो हिस्टोन एसिटिलेशन को बढ़ा देता है और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे प्लांट जो है अपना डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। टीम को कुछ एंजाइम्स का भी पता चला जो इस प्रोसेस में मदद करते हैं। अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही, और आगे हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 10 आर्म ऑक्टोपस, डिड यू हर्ड गाइस, 10 आर्म ऑक्टोपस। क्या 10 हाथों वाला भी ऑक्टोपस होता है? तो हम बात करने वाले हैं 10 आर्म ऑक्टोपस के बारे में। एक बार में गिनने पर 300 ऑक्टोपस की स्पीसीज जो हैं सी में निवास करती हैं। तो जो हमारी दुनिया है उसमें 300 ऑक्टोपस की स्पीसीज हम गिन सकते हैं, जिनके 8 आर्म होते हैं। लेकिन ये ऐसे शुरू नहीं हुआ था गाइस। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी अभी जो एक फॉसिल का पता लगाया गया, जो कि मोंटाना नाम के एक कंट्री से पता चला, उसके जो है वो कई करोड़ों साल पुरानी फॉसिल्स है, उसके 10 आर्म्स थे। उसका नाम सिलिप्सिमोपोडी बिडेनी था। तो ये इससे पता लगा है कि ऑक्टोपस के 10 आर्म्स थे शुरुआत में, जिनमें से बाकी दो जो फॉसिल्स हैं उनका साइज़ जो है दूसरे से दुगना है। ये फॉसिल 328 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ये फॉसिल्स में पता चलता है कि 2 सकर्स अप हैं और 2 सकर्स डाउन हैं, मतलब ये एक ऑक्टोपस आर्म्स की तरह ही है। तो इस फॉसिल से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्टोपस का फॉसिल ही है जिसके 10 आर्म्स थे। सिलिप्सी मोडी जो होता है वो कम से कम 4 to 3/4 इंच के बराबर और 12 सेंटीमीटर के तकरीबन होता है, जो कि एक जो है टॉर्पिडो शेप की बॉडी की तरह होता है, जो कि स्क्विड से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन ये स्क्विड जो है काफ़ी बाद में आए थे, तो ये जो है स्क्विड नहीं है। यह अब तक का सबसे पुराना क्रिएचर है जिसके पास सकर्स हैं जो ऑब्जेक्ट और क्रिएचर को पकड़ने में मदद करते हैं। यह फॉसिल जो है हमारी सोच को बदल कर रख देगा कि ऑक्टोपस कैसे इवॉल्व हुए, और यह जो है कुछ मॉन्स्टर स्क्विड जो हैं दुनिया में, उनकी बातें होती हैं स्टोरीज़ में, उनकी भी जो है कहानियों को बतलाने में मदद करेगा। ये जो हैं क्रिस्टोफर वेलेन कहते हैं, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के ऑथर भी हैं और जो एक जीवाश्म वैज्ञानिक पैलेंटोलॉजिस्ट हैं और येल यूनिवर्सिटी के लीड ऑथर हैं। ऑक्टोपस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है क्रिएचर भी है। सिलिप्सी मोडी 82 मिलियन ईयर्स पहले जो है जो वैम्पिलोपॉड नाम की एक स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो गया,
जिसे हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। सिलिप्सिमोडी सिर्फ 10 आर्म्स वाले ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एवोल्यूशन के समय 2 आर्म्स जो हैं कम हो गए। लेकिन ऐसे कई एग्जांपल हमें जो है अर्थ साइंस में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कम होते डायनासोर जिनको देखा गया, और ऐसे घोड़े जो मीट खाते हैं जो कि अब एवोल्यूशन की वजह से अब नहीं है जिंदा, दूसरे ही घोड़े हो गए हैं। मतलब एक तरीके से वो वही घोड़े हैं पर एवोल्यूशन की वजह से उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया। सिलिप्सिमोडी जो है ट्रॉपिकल बे मोंटाना के गर्म पानी के जरिए जो है छिप कर जो है इक्वेटर के पास आ गया, जो कि आज का ऑक्टोपस है, जो कि छोटे मोटे जीवों को ही खाता है और एक इन्वर्टिब्रेट है। अभी के लिए इतना ही गाइस, और हमने जाना